guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing amazing. And if you are new to my channel, then hi, this is Bhumi, and I'm making videos on travel, fashion, lifestyle, and everything I'm interested in. So, by the title, you already know कि ये वाला है हमारा part 2. I mean, मैंने पिछले वीडियो में आपसे शेयर किया था कि हम करने वाले हैं एक विंटर केयर सीरीज, yes, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि विंटर एसेंशियल्स कौन कौन से होते हैं, whether it is in skin care, whether it is in body care, and the last is our hair care. So, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैं सर्दियों में अपनी बॉडी की देखभाल करती हूँ. अब आप सोचोगे कि बॉडी केयर में कौन सा रॉकेट साइंस है, बस एक बॉडी लोशन लगा लिया एंड हो गया, बट नहीं. विंटर के दौरान ही सबसे ज्यादा वल्नरेबल होती है हमारी स्किन, बहुत ही ज्यादा ड्राई एंड पार्श लगने लगती है, एंड अगर आप उसकी ठीक से देखभाल नहीं करते तो वो डेड स्किन बन जाती है. कभी कभी हमारे आर्म्स एंड लेग्स बहुत ज्यादा ब्लैक दिखने लगते हैं, बिल्कुल इसी वजह से, क्योंकि डेड स्किन की एक अच्छी सी लेयर बन जाती है, उनको ठीक से नरिशमेंट एंड मॉइस्चराइजेशन नहीं मिलता, बिकॉज ऑफ दैट ये प्रॉब्लम्स होती है. सो टू अवॉइड ऑल द प्रॉब्लम्स, आई एम हियर टू हेल्प यू. एंड ये सारी चीजें मैंने भी धीरे धीरे ही सीखी है, धीरे धीरे मैं रोज नया नया कुछ सीखती हूँ, एंड यहाँ पे मैं आज आई हूँ क्योंकि मैं वो सब आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए उतना ही हेल्पफुल होगा. बट आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल, आल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल एज वेल, आल्सो फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम. एंड यस, नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे शावर एसेंशियल से. एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक दिन नहाया एक दिन नहीं नहाया, क्योंकि विंटर है, ये सब बहाने बिल्कुल नहीं चलेंगे, ठीक से नहाना पड़ेगा. एंड द फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू कि विंटर में जब हम नहाते हैं तो हमारी स्किन ड्राई होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि सोप में ऐसे केमिकल्स होते हैं एंड सोप की जो कंसिस्टेंसी होती है, या फिर कह लो कि सोप की जो टेंडेंसी होती है, वो ऐसी होती है कि वो हमारी स्किन को क्लीन करने पर हमारा जो नेचुरल ऑयल होता है बॉडी का, उसे भी स्ट्रिप ऑफ कर देते हैं. सो फॉर दैट आई वुड लाइक टू रेकमेंड टू सोप्स, अगर आप सोप यूज करते हो तो. सो दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज बाय डव, एंड ये एक क्रीम ब्यूटी बेदिंग बार है. ये बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज रखता है, इवन आप साबुन से नहा लोगे ना तब भी आपको खिंची खिंची एंड ड्राई त्वचा नहीं लगेगी. विंटर में हमें चाहिए कि हमें नहाने के बाद भी मॉइस्चर फील हो बॉडी पे, एंड वो पूरा जो हमारा नेचुरल ऑयल्स होता है जो बॉडी का, वो स्ट्रिप ऑफ ना कर दे. तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं करता. इसे आप फेस पे भी यूज कर सकते हो, मैंने इसे पिछले वीडियो में भी फीचर किया था, एंड इस वीडियो में भी मैं बता रही हूँ, क्योंकि विंटर के दौरान मैं फेस एंड बॉडी के लिए इसी को यूज करती हूँ, मुझे आज तक इससे कोई भी कंप्लेंट नहीं हुई. यस, अगर आपकी बहुत ही एक्सट्रीमली ऑयली स्किन हो, सो फॉर दैट ऑल्सो आई हैव रिकमेंडेशंस, एंड दैट इज दिस. एंड ये हमारा बहुत ही प्यारा गुड ओल्ड प्रोडक्ट है ये, एंड दिस इज पेयर्स वाला जो सोप है, आई थिंक सबने कभी ना कभी तो इस्तेमाल किया ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता. लाइक मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपने ये कभी ट्राई ना किया हो. लाइक दिस इज सो गुड ओल्ड प्रोडक्ट, एंड बहुत ही सिंपल है. ऑल्सो ये दोनों अफोर्डेबल भी उतने ही है. यस, डव थोड़ा सा कॉस्टली होगा इससे, एंड थोड़ा सा गलता ज्यादा है, बट वो क्रीम बेदिंग बार है, सो डेफिनेटली वो मेल्ट तो होगा ही. बट टॉकिंग अबाउट दिस, अगर आपकी ऑयली स्किन है एंड अगर आपको एकदम क्रीम बेदिंग बार पसंद नहीं है, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस. दिस ऑल्सो वर्क द सेम, एंड इसकी फ्रेग्रेंस भी काफी अच्छी है. इसे नहाने के बाद मुझे इतना ज्यादा नॉस्टैल्जिया फील होता है. इसमें ग्लिसरीन है, एंड आपको तो पता ही है कि ग्लिसरीन बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है. ऑल्सो ये पीएच को भी बहुत ही अच्छे तरह से मेंटेन करता है. सो दिस इज माय सेकंड ऑप्शन. अब इन सोप्स के अलावा अगर आपको शावर जेल से नहाना पसंद है, तो आप डव का जो क्रीम बेस्ड शावर जेल आता है, उससे आप यूज कर सकते हो. वो भी काफी अच्छा आता है, एंड वो मैंने यूज कर रखा है, सो मैं आपको बता सकती हूँ कि वो अच्छी प्रोडक्ट. अब उसके बाद आप जब नहाते हो तो आपको एक्सफोलिएट करना भी जरूरी है, कि विंटर में हम मॉइस्चराइज करते हैं स्किन को, एंड उस पर डस्ट भी अच्छे से बैठ जाता है. कभी कभी अगर मॉइस्चराइज नहीं किया है तो डेड स्किन हो जाती है, तो आपको रोज एक्सफोलिएट करना भी जरूरी है. तो मैं जो फाइबर लूफा आता है, जो ऑर्गेनिक फाइबर्स वाले लूफा आते हैं, वो मैं यूज करती हूँ. मैं यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर दूंगी उसकी, एंड उससे आपको पहले पानी में डिप कर देना है. जैसे आप पानी में डिप करोगे, वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा.
रगड़ना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही जेंटली करना है, माइल्ड एक्सफोलिएशन ही चाहिए हमको। सो उससे क्या होता है कि उसके बाद के जो भी स्टेप्स हम लेंगे वो बहुत ही अच्छी तरह से डीपली नरिश करेंगे हमारी स्किन को। आफ्टर हैविंग आवर शावर दिस इज व्हाट वी विल डू एंड दिस इज अ बॉडी ऑयल एंड यू कैन सी कि ये बहुत ही छोटी सी बॉटल है। दिस इज बाय प्लम, ये एक्चुअली मुझे फ्री रिसीव हुआ था एक पार्सल में, सो फॉर दैट आई हैव स्टार्ट यूजिंग दिस एंड मैंने इतनी ज्यादा तारीफें सुनी है इसकी एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट ये सारी तारीफों के एकदम काबिल है। ये जो कंसिस्टेंसी है, ये ऑयल है, बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही जेंटली ये मॉइस्चराइज करता है। ये फ्रेग्रेंस इतनी ज्यादा प्यारी है, आपको लगाने के बाद बिल्कुल ऐसा फील होगा कि आप किसी बेकरी में चले गए हो, बिल्कुल कपकेक वाली फीलिंग आती है। एंड लगाने के बाद इतना ज्यादा बॉडी मॉइस्चराइज लगता है, शाइन करता है। डैम स्किन पे आप जितना इसे लगाएंगे उतना ये ज्यादा अच्छी तरह से वर्क करेगा। पूरी बॉडी पे इसको लगा देना है, तो हल्के से मसाज करके जब तक ये बॉडी में एब्जॉर्ब ना हो जाए तब तक आपको थोड़ा मसाज करना है। बहुत ही जल्दी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। मैंने खुद ये ऑर्डर अभी प्लेस किया है एंड इट इज इन ट्रांजिट ऑलरेडी, एंड तब तक जब तक वो ऑर्डर नहीं आता तब तक मैं ये जो छोटू वाली बॉटल है वो मैं खत्म करने वाली हूँ। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट स्टेप एंड दैट इज बॉडी लोशन। एंड आप सोचोगे कि बॉडी ऑयलिंग कर तो लिया, इतना ऑयल लगाने के बाद लोशन की क्या जरूरत, बट नहीं, लोशन की एक्चुअली जरूरत पड़ती है क्योंकि लोशन कभी कभी 24 आवर्स तक रिटेन नहीं करता बॉडी में। विंटर में तो ऐसा है नहीं कि हम सुबह शाम दोनों टाइम कभी कभी शावर ना भी ले पाए, सो फॉर दैट लोशन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोशन में मेरे पास आपके लिए दो ऑप्शंस है, अगर आपकी ड्राई स्किन है या फिर नॉर्मल स्किन है तो आप ये वाला यूज कर सकते हैं। दिस इज माई मामा अर्थ एंड जब से यह आया मैं इतना ज्यादा इसे यूज कर रही हूँ, इसका सब कुछ मुझे बहुत पसंद है। अच्छी तरह से ये मॉइस्चराइज रखता है बॉडी को एंड एवरीथिंग अबाउट दिस आई रियली लाइक। एंड अगर आपकी ऑयली स्किन है सो फॉर दैट आई हैव दिस वन एंड दिस इज पैराशूट। एंड इसके बारे में मैंने आई थिंक किसी मेरे फेवरेट्स में या ऐसे किसी वीडियो में तो मैंने इसका जिक्र किया था आई गेस। एंड इस पे लिखा है डीप नरिश, बट उसमें भी मैंने बताया था एंड इसमें भी मैं बता रही हूँ ये डीप नरिश के लिए नहीं है। ये क्या है कि आपको हल्का फुल्का मॉइस्चराइजेशन देता है, सो अगर आपको थोड़ा सा ही मॉइस्चर चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। नाउ जो हमारे एक्सट्रीमली ड्राई स्किन वाले हैं उनके लिए है ये बॉडी बटर एंड दिस इज बाय प्लम अगेन एंड दिस इज ऑल्सो ऑफ वेरियंट वनीला वाइब्स एंड ये मैंने श्मिटन बॉक्स में रिसीव किया था। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ये इतना ज्यादा मॉइस्चराइजिंग है, ये बहुत ही थिक कंसिस्टेंसी आती है एंड दिस इज एक्सट्रीमली मॉइस्चराइजिंग, बहुत ही प्यारा है, बटर जैसी इसकी कंसिस्टेंसी है और बिल्कुल बटर जितना ही ऑयली रखता है स्किन को। अगर आप कोई वेकेशन पे जा रहे हो जहाँ पे इतनी ठंड होने वाली है, यू नो कोई होता है कि नहीं कश्मीर में तो बर्फ देखने जाना है, सो अगर वैसे कोई है कि जो उस साइड जा रहे हैं माउंटेन्स की तरफ तो यू कैन डेफिनेटली कैरी दिस विथ यू। एंड आप देख सकते हो कि ये छोटा वाला टब है, ये ट्रैवल साइज टब है एंड ये रिटेल करता है कुछ 120 रुपीज में, तो ये छोटा वाला टब आपकी ट्रिप के लिए इनफ होगा। एंड इसमें और भी बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, मैंने इसका भी ऑर्डर प्लेस कर दिया है यस, क्योंकि इसका बॉडी बटर भी मुझे बहुत पसंद आया एंड आई एम ऑल्सो एक्सट्रीम ड्राई स्किन और मुझे ना विंटर में एकदम चमकीला सा दिखना पसंद है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरी स्किन बिल्कुल ड्राई एंड फ्लेकी फील करे या फिर डेड लगे, सो फॉर दैट आई पिक दिस अप ऑल्सो। एंड प्लम का भी हॉल बहुत जल्द आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। मूविंग ऑन टू अवर लास्ट स्टेप बट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। एंड अब आप सोच रहे होंगे कि बॉडी लोशन दिखा दिया, सब कुछ तो हो गया, अभी क्या तेल में पूरा डूब जाए, बट नहीं, मैं बता रही हूँ कि लास्ट स्टेप कौन सा है एंड दैट इज फुट एंड हैंड क्रीम एंड आई हैव टू रिकमेंडेशंस फॉर यू। नाउ दिस इज अगेन हैंड क्रीम, अब तो सब लोग ही यूज करते हैं तो इसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बट यस थोड़ा तो मैं बताऊंगी क्योंकि हमारे हाथ यूजुअली बहुत ही ज्यादा ड्राई हो जाते हैं क्योंकि पानी के कॉन्टेक्ट में वो बार बार ज्यादा आते हैं। हम खाना खाते हैं या कुछ भी हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं, इस हाथों की स्किन हमारी ज्यादा ड्राई रहती है, सो फॉर दैट ये हैंड क्रीम है एंड दिस इज बाय सुबिस ब्यूटी। ये है इन वेरियंट कैमोमिल रोमांटिक फ्लोरल
एंड यू नो गाइज आई लव फ्लोरल एंड ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव है. मैं इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. ये शायद मैंने अपने किसी नायका के हॉल में फीचर किया था. अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं यहाँ आई बटन पे लिंक कर दूंगी, प्लीज वो जाके देखिए. उसमें मैंने बहुत ही अच्छी तरह से सारी चीजों की फर्स्ट इंप्रेशन भी शेयर की है. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डेफिनेटली गो वॉच हियर. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट, दिस इज फुट क्रीम एंड दिस इज अगेन फ्रॉम प्लम. एंड आई प्रोमिस ये वीडियो प्लम ने बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं किया. ये मेरे सारे अपने पैसों से खरीदी हुई चीजें हैं. ये सब जेन्युइनली मैंने ट्राई की है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि ये सारे सैंपल्स है. तो मैं पहले सैंपल्स ट्राई करती हूँ, अगर वो वर्क करे एंड मुझे वर्थ लगे तभी मैं इसका फुल जो बॉटल होता है या फिर फुल जो टब होता है वो मैं ऑर्डर करती हूँ. With, and this is the foot cream I am really in love with. इससे भी मैंने शायद एक favorites वाले वीडियो में फीचर किया था. मैं उसे भी आई बटन पे लिंक कर दूंगी, प्लीज वो वीडियो भी आप जाके देख लेना. मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि मैं इसे रात में यूज करती हूँ, बट अभी बिल्कुल फुल फ्लेज्ड विंटर आ चुका है. तो मैंने अब इसे मॉर्निंग में भी यूज करना स्टार्ट कर दिया है. सो मैं क्या करती हूँ कि पूरी बॉडी मॉइस्चराइज करने के बाद अपने फीट में इसे अप्लाई करके सॉक्स पहन लेती हूँ. एंड ये इतने प्यार से इतनी कोमल कर देता है मेरी फीट. दिस इज माई फेवरेट. इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत पसंद है. अगेन मुझे गॉमन फ्रेग्रेंस पसंद नहीं है, बट प्लम पता नहीं कैसे कर लेता है. इसका जो फ्रेग्रेंस है वो भी बहुत ही ज्यादा डिलीशियस. यूजिंग इट रेगुलरली एंड अभी भी आप देख सकते हो, मैं दिखा नहीं पाऊंगी बट यू कैन सी मैंने सॉक्स पहने हुए है. मुझे ऐसे गर्म सॉक्स ही चाहिए. दिस इज द लास्ट स्टेप आई डू फॉर माई बॉडी केयर. एंड अगर आप ये सारे स्टेप अच्छे से फॉलो करोगे पूरे विंटर में तो आपकी स्किन भी बहुत ही अच्छी नरिश्ड रहेगी एट द एंड ऑफ द विंटर. एंड इट विल डेफिनेटली बी वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आपने इतनी अच्छी तरह से उसकी देखभाल की. बॉडी ग्लो करेगी एंड अपेरेंटली आपको भी बहुत ही अच्छा फील होगा डेफिनेटली. सो या ये था मेरा वीडियो. एंड आपको थोड़ा सा भी ये पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना, ऑल्सो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ. एंड आप में से कुछ को ये सब पता ही होगा आई नो, क्योंकि बहुत ही जेनरिक थिंग है, बट कुछ लोग सच में इसे इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाते. थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए. सो एज अ टोकन ऑफ मोटिवेशन ही समझ लो आपके मैं आपको बता रही हूँ कि प्लीज आप ऐसे सब केयर कीजिए अपनी बॉडी. एंड या आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो, थोड़ा सा भी मोटिवेशन आपको मिला हो कि नहीं ये सब मैं भी करूँ. सो प्लीज एक छोटा सा लाइक दे देना इस वीडियो को. एंड या विद दैट वी हैव कम टू एन एंड. एंड जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, आल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल. मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना. ये सारी चीजें जो मैंने इसमें वीडियो में आपको दिखाई है वो सारी चीजों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो उसे चेक करना बिल्कुल मत भूलना. एंड या मिलते हैं अगले वीडियो में. सी यू सून, बाय.